सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे टीका एक्सप्रेस से टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। राज्य सरकार ने इस साल के अंत तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में आज पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में टीका एक्सप्रेस के माध्यम से जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कैंप में आए एक लाभुक ने बताया कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं दीघा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया ने बताया कि इस साल के अंत तक सभी लोगों की टीकाकरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है। सरकार का अभाव नहीं है और जैसे जैसे हो रहा है, बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के आधार पर प्रत्येक घर तक भी पहुँचने का काम इस टीकाकरण के माध्यम से होगा। मुजफ्फरपुर जिले में भी टीका एक्सप्रेस के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी टीके से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हम लोग कैंप करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आरबीएसके के वाहनों 25 वाहन चलाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक 5 टीकाकरण एक्सप्रेस वाहन चलाए गए हैं और कई स्थानों पर स्थैतिक रूप से टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। खगड़िया जिले में भी टीका एक्सप्रेस से टीकाकरण अभियान को रफ्तार मिली है। सिविल सर्जन अजय कुमार सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र के हर दरवाजे पर पहुंचकर टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही टीके से जुड़ी अफवाहों का निवारण कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। टीकाकरण कर देना है और लोगों को ये जागरूक करना है कि इस टीका से भी बचाव नवादा जिले के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने टीका रथ को विभिन्न इलाकों के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि पहले से चल रहे टीका केंद्रों को यथावत रखा गया है। इन टीका रथों को नए क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। यहां